मैं बोला नहीं, कोई उम्र कैद ना सजा नहीं, डायरेक्ट फांसी का ऐलान है मेरा। हाँ यही चाहता हूँ मैं उसको। तो आज ऐसे ये घटना करी करके हमारा एक बुन भी एहसास नहीं रही, अंदाजा नहीं रही से वो कदम उठाए, इतना बड़ा कदम उठा है, ऐसे करे है, ऐसी जो घटना जो करे है ना। अब भी ओकर मौत गिरे रही थी, बाकी माई लोग छेकित नहीं है, एक चप्पल में ओकर प्राण जा रही थी। अरे मड़वा जा रहे है, ओकर सत्यानाश होकर उसको फांसी ही होना, तब हमारा आत्मा संतोष होगा। मेरे पूछिए साहब हो मौत के बदला मौत, बोला जिंदा जन रखो, जिंदा जन रखो, जिंदा जन रखो, भारत माता की जय। जिंदा नहीं रहना चाहिए वो लड़का। मेड़ेसरा के तेजस्वनी मर्डर केस का खुलासा हो गया है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है, लेकिन बाकी मीडिया वाले इसे सुसाइड बताने में लगे हुए थे, जो थ्योरी सामने आई थी। लेकिन आपको बता दें कि इसका खुलासा आज हो गया है, और ये जो भीड़ देख पा रहे हैं, चूंकि आरोपी का क्राइम्स यहाँ पे सीन रिक्रिएट कराया गया है, और इसीलिए वहाँ पे तालाब पर बुलाया गया था, और तालाब के पास में जो लोग इकट्ठा हुए थे, लोगों का आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि इसमें जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्या किसी और ने नहीं, उसके सबसे करीब और सबसे अपने होने वाले मंगेतर ने की, जिसके साथ में तेजस्वनी की शादी होने वाली थी। यानी कि आप समझिए, तेजस्वनी की शादी के दो दिन पहले तेजस्वनी को मौत के घाट उतार दिया, और कोई और नहीं, उसका मंगेतर, जिसके साथ में वो सात जन्मों के बंधन बंधने वाली थी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो गाँव वाले, उनके परिवार वाले मौजूद हैं। जी भैया नमस्ते। नमस्ते सर। आप उनके चाचा है ना? जी जी। क्या खुलासा हुआ आज, इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हुए, और क्या चीज बताई पुलिस ने आपकी थ्योरी में भी? अब जिस चीज़ का हमको जिक्र नहीं था, जो हम सोचे नहीं थे, वैसी घटना हुई है। हमारा आपसी की जो है भांचा है, भांजा लगता है, आपके सगा भांजा है, सगा भांजा है, उनके साथ में रिश्ता था, जबकि वो अपने मन पसंद से अपने किए था वो ये रिश्ता को। और नाम रही से सोनू, हुमन जोशी नाम रही से। तो आज ऐसे ये घटना करी करके हमारा एक बुन भी एहसास नहीं रही, अंदाजा नहीं रही से वो कदम उठाए, इतना बड़ा कदम उठा है, ऐसे करे है, ऐसी जो घटना जो करे है ना, मतलब बहुत। 11 जुलाई से शादी रही से, और 9 जुलाई के मर्डर करे रात में, रात की, है ना? हाँ सर। पुलिस के सामने का बताई सुने हो? वो तो पूरा बयान दी से, पूरा बकरे कि मैं ऐसे मारे हूँ, ऐसे घटना करे हूँ, ये पास में हम पहले झगड़ा भी हुए हैं। अच्छा। ये पास में आ करके और झगड़ा हो करके बोला मैं मारे हूँ करके, वो सारा चीज बयान दे। हाँ रात में आए सर, डाउट रही से कि मतलब ना कोई नहीं हो सके, हो सकते तो वही हो सकते, काबर की सबसे बड़ा विश्वास ओकरे ऊपर में वो करत रही सर। हाँ यहाँ जैसे हो ना, तो आखिरी में वो बताएगी से कि मतलब यहाँ मैं बुलाऊं और यहाँ खुद मैं ला रहे हूँ, और दोनों के बीच में हमार कभी तो कुछ विवाद हुई से, और विवाद हो के बाद में मतलब ये घटना का अंजाम मैं दे हूँ, ऐसे कह के खुद वो बोली से सर कि मतलब धक्का बुक्की पहली हुई तो मतलब सीढ़िया से गिर गए, तो बेहोशी हालत में रही से, और बेहोशी हालत में मतलब ना मैं फेंक दे, ऐसे कह के बोली। हाँ जिंदा हो सकते सर, हाँ पानी में डाल दी से वो लगभग उनकर दोनों जन के मतलब ना झगड़ा भी हुई से, तो वो मन उतना टाइम 112 भी कॉल करे है सर, उतना टाइम रात में करी। हाँ तो 112 जब वो कॉल करे है ना, तो मोबाइल अधर के अंदर बीच में फेंकी से, वहाँ बयान में बोली से सर। अच्छा, मोबाइल तो फेंकी से। हाँ जी सर। का बात बार तक मारे मध्यकर से, दो दिन बाद शादी होने वाला रही से, सात बंधन बंधने वाला रही से, का बार इसे अब ये तो बताइस नहीं सर पूरा डिटेल ला, लेकिन वही बात बताई सर कि मतलब यहाँ मैं खुद लाने हूँ, ठीक है। हम उमन यही बात पूछना चाहते हैं सर कि मतलब असमंजस हन कि मतलब कौन सा कारण में मारिस, यही बात के हम सवाल का जवाब चाहिए सर। आखिर कहा इसने वजह हुई से? हाँ जी सर। बढ़िया धूम धूम के शादी करते रहो, बढ़िया। हाँ जी सर। अच्छी से। हाँ
लड़की लड़का तो मन पसंद वाले शादी रिश्ते हम मन पसंद वाले रिश्ते पूरा हम मन पसंद रही सर। ऐसे मतलब ना कोई आदमी ला डाउट नहीं रही से कि मतलब कि ऐसे हो ही ऐसे करके, लेकिन वो घटना का अंजाम ला मतलब बहुत शातिर दिमाग से करे सर कि हमार बेटी लग खुद बदनाम करना चाहत रही से कि लड़का पसंद नहीं है और ये लग खुद खुशी मतलब करना चाहत रही से दिखाया कोशिश कर रही दिखाया कोशिश कर किसी और लड़का के साथ चक्कर है या फिर हाँ वैसे ही मतलब वो जिस दिन से मतलब वोकर नंबर है सर तो हमला डाउट हो गया इसकी बिल्कुल मतलब वो कोई नहीं हो सके वही है। अच्छा 9 जुलाई के मर्डर हुए रात के 10 जुलाई के लाश मिली से और वही दिन अंतिम संस्कार करे हो वो दिन अंतिम संस्कार में आरिस नहीं तो हाँ अंतिम संस्कार में आरिस सर आरिस है वो बहुत मतलब रोना गाना एकदम हाँ रोना गाना भी पूरा नाटक रही सर पूरा दिखावा रही से हमला तो पीएम रिपोर्ट है की इंतजार रही सर पीएम रिपोर्ट में कहा पीएम रिपोर्ट में मतलब वही बोले है सर कि मतलब संदिग्ध रही से बात है इसलिए मतलब यू ला बुलाया गया हाँ हाँ नहीं गला नहीं दबे रही सर ये बता दे कि मतलब ना सीढ़ी से मतलब और नीचे सर ला मतलब पीछे लगे हैं और थोड़ा बेहोश हो गए और बेहोशी हालत में कभी तो पानी में फेंकते हैं पुलिस वाले मैंने कल पकड़ी से लड़का ना हाँ जी सर पहले पकड़ी से हाँ जी सर आखिरी एक बातचीत हो रही से हाँ जी सर पुलिस वाले मतलब शक हुई से हाँ कॉल डिटेल हमारे दिखाई से हमन खुद मौजूद रहे नंबर चेक करे हैं और बहुत सारा नंबर रही सर हमें तो मतलब दूसरा के नंबर मतलब पारिवारिक के निकले भाई ऐसे आधार वाले कोई नंबर नहीं निकले और लास्ट अकाली नौकरी रही सर इसलिए मतलब हमारा डाउट गई इसकी मतलब कोई नहीं हो सकेगी अगर पहले भी कुछ लड़ाई वड़ाई हुई सके उनके बीच में नहीं ऐसे कुछ नहीं शादी की तैयारी के बीच में नहीं ऐसे मतलब वो जो रहीस ना तो 6 तारीख के सर मतलब सगाई के मतलब एक दिन पहले 9 जुलाई को मर्डर हुए हाँ हाँ। और 6 जुलाई की सगाई हो रही से सात के हो रही से और 6 जुलाई के मतलब ना इकर मतलब एक कॉलिंग आ रही से दूसरा नंबर में अच्छा तो ये में लगभग 12 से मतलब तीन मतलब कॉल डिटेल में निकालीस तो देखें सर वो ला कि मतलब वो काकर रहेगी के लेकिन एक वो मोबाइल नहीं रही जो पकड़ा रिश्ते हैं लेकिन घर के नंबर निकलीस तो हम अलाउ डाउट की सर ये पहले बातचीत नहीं करत रही से लेकिन इतना बहुत सारा मतलब कैसे बात करते हैं और कैसे मतलब दो ही दिन में इतना मतलब खुश की दो तीन मतलब मोबाइल ला जरूरत पड़ी से लड़की ला ऐसे के क्या ज़्यादा सा खुश सर इसलिए हमारे में विश्वास हो गया कि मतलब हो सकता है तो वही हो गया कुछ तो वजह वही समझ नहीं आती आप मतलब कुछ पूछे पाछे वो कोई नहीं अभी पूछे नहीं सर वो तो सर मन बातें नहीं करन दी दहेज वहेज के लिए कहीं पूरा सामान पूरा है सर अभी भी देख सका था पूरा सब ऐसे कोई नहीं रही सब चीज़ आगे के आगे तैयारी खुद जाके वो मन कभी तो लीन है मन पसंद नहीं से हाँ मन खुद करत रही है कब से चलत रही से मतलब मन पसंद के जो ऐसे तो 2 साल से मतलब हाँ 2 साल रिश्तेदारी में ना हाँ रिश्तेदारी घर सगे बहन के बेटा है हाँ जी सर अपन के समाज में ये सब चलते हाँ चलते हमारे मामा फूफू वाले बात चलते मामा फूफू में हमारे सदियों से आवा थे पीढ़ी बना दे सारा दादा पुरखा मन वही रीति रिवाज अभी भी चलाते हैं अब हैरानी बात की कि जेकर से लड़की प्रेम करत रही से वो घर के आपके लड़का भी हरे वो ऐसा कांड कर दी से ताजुब वाले बात हाँ यही ताजुब वाले बात है सारा हमारे बहुत दुख है और ऐसे आदमी के कोई भी रहा है जैसे कि हमें कहा था ये भांचा निकली हमार खुद घर पारिवारिक के ऐसे आदमी तो फांसी होना चाहिए सर हमार एक ही तमन्ना है जैसे हमारे गांव वाले फांसी से दूसरा सजा नहीं बेकार है ऐसा आदमी को ऐसा कोई जिंदा रहना बेकार है ऐसा कोई इतिहास में ऐसा कोई सजा नहीं होगा ना सर ऐसा उसको सजा देना है ऐसा इतिहास में कोई लिखा भी नहीं होगा ऐसे इतिहास में सजा देना होगा अरे मड़वा उजारे है उकर सत्यानाश होकर उसको फांसी ही होना तब हमारा आत्मा संतोष होगा मेरे पोती है साहब हो आपकी पोती हाँ पोती है मेरा साहब बड़े लड़का की लड़की है साहब आप तो मुलेर होने हाँ उसको फांसी ही होना साहब उसको जिंदा नहीं होना चाहिए उसको शादी हो जा रही साहब 7 तारीख के सगाई हुआ है 7 तारीख का हंसते खेलते सगाई हुआ है हाँ ये 9 तारीख 10 तारीख का कांड कर दिया वो दिन के बजे आ रही सो रात के 9 बजे मतलब 9 जुलाई को लड़का यहाँ आ रही सो दिन भर घर में नहीं 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 वो दिन तो कभी तो हमन कोई नहीं देखे रहे सर वो बोले से हाँ रात के ना मोबाइल के समय में उमन बातचीत चलत रही से लगभग कभी तो 11:30 के बाद मतलब 12 बजे नहीं 12:30 बजे वो बोली से बयान में दी से साफ बोलना 12 बजे मतलब ना यहाँ आई से 12 बजे वो कॉलिंग करी से बीरेभाट है यहाँ से 8-9 किलोमीटर है एक टरी से 12:30 बजे यहाँ आके मतलब ना फोन करी से तब फिर आया हूँ और गाड़ी में बिठाया हूँ फिर यहाँ मतलब वो सब बात बताई से बताई से मतलब 12 बजे के आसपास आई से तेजस्वनी 12:30 बजे फोन करी से तेजस्वनी बिठा के तालाब आई सो बोला बैठार के फिर तालाब लाने
फोन करे रहे हो तो इंतजार में अकेले बैठे रही से ऐसे की के बताए से। हाँ बाहर में रही से और मोटरसाइकिल में बैठा के यहाँ तालाब में लान करके फिर ऊपर हमारे बात हो जाते थे। हाँ बहुत रात हो जाते। हाँ हाँ जी सर नहीं साहब वहाँ की मतलब इस स्वासी आदमी के ऊपर में अभी पर्सनली बात करना है ऐसे कोई के बोले हो तेजस्वनी मालूम नहीं किसी कुछ हो जी। हाँ नहीं रही लेकिन प्लान करके आ रही। हाँ प्लानिंग करके आ रही से एक मन में का रही से वो भी पता नहीं रही से बोला तो वैसे पता रहती तो कहाँ आती सर मतलब बताती घर वाले मतलब कि वैसे परेशान कर रहे थे हमारा कहीं करती। हाँ जी सर अब एक दिन शादी रहे अब दूसरा दिन मतलब सुबह अब तो शादी चालू होने वाला है लेकिन पर्सनल अपन मन के बात बताऊँ ऐसे करके कुछ बोले हुई बहला फुसला करके फोन पे फोन तो फेंक दे सर अभी मोबाइल रिकवर नहीं हो पैसे लेकिन कॉल डिटेल से पता चली से। हाँ जी सर आखिरी फोन कॉल ओकरे रही से लगातार बात होती। हाँ लगातार बात होती रही से कॉल डिटेल मतलब निकाली ना साहब मना उम्मीद आपके आपके सब जो बहन है वो मनाए हैं ये सब कांड के बाद ही सुनने के बाद नहीं वो मन अभी थाना में है सर थाना में है। हाँ सब जन वहीं हैं अभी फिर आदमी अभी जितना भी है ना फिर जाबो हम उम्र रहें सुबह से थाना में रहें और वहाँ से जैसे निकली से ना तो हम उमन पीछे पीछे आए हैं उमन अभी अंदाजा नहीं रही कोई बेटे से कांड कर डली। हाँ नहीं रही कोई लाया भैया अंदाजा नहीं हम पूरा पूरा जिंदगी खराब हो गई सर रिश्ता का पूरा जिंदगी ही खराब हो गया पूरा गए खत्म हो गया पूरा लाइफ ही खत्म है। पुलिस और उनके बजे ला रही से यहाँ पे ये अभी लाई से लगभग एक डेढ़ घंटा एक बजे गया डेढ़ घंटा हो गया। हाँ पूरा घुमाई से सीन रिकेट कहीं से। हाँ पूरा घुमाई से सब देखा से। हाँ पूरा जितना भी मौकर से मतलब घटना रही ना पूरा एक एक ठन पूछी है पूरा ला बयान दी से बताई से सीन रिक्रिएट करते ना। हाँ कब क्या क्या किए कैसे किए करके। हाँ हाँ पूरा एक एक ठो बताई से मतलब ऐसे यहाँ से मतलब मोटरसाइकिल में उतरे यहाँ बैठे यहाँ आए और यहाँ मतलब छीना झपटी हुई यहाँ मारे तो सीढ़ी में गिर गए बेहोशी हुई अब बेहोशी हालत में पानी में फेंक दें उतना बार 112 के कॉल आ रही से करे रही से। हाँ तो टेंशन में धर के मोबाइल बीच में फेंक दें देखे बताई से 112 वाले बना रही यहाँ पे नहीं आए सर वो उठा भी वो रिप्लाई करते कॉल मैंने कहा क्या हुआ। हाँ तब हाँ तब तो आती सर हम वो उठा भी नहीं करी हो लगा इस बस से क्या सोच के लगा 112 ले कुछ उनका विवाद जैसे बढ़े हुए सर कुछ झगड़ा लड़ाई कुछ कुछ ना कुछ। हाँ तो वैसे टाइम में कुछ बोला ज़्यादा ही मतलब खतरा लगे हुई तो इसलिए लगाए हुई सर धक्का मारी धक्का से बेहोशी हुई। हाँ बेहोशी हुई तब भी वो पानी में बेहोशी हालत में मतलब ना डाल दी सर। अभी एक ही डिमांड है फांसी होना चाहिए फांसी होना चाहिए इसको फांसी होना चाहिए ऐसे आदमी रोक के का करवे फांसी छोड़ना चाहिए तड़प तड़प के मरना चाहिए उसको बस फांसी होना चाहिए फांसी नहीं होना चाहिए तड़प तड़प के मरना चाहिए वो भी मौत का एहसास करे कि हम ऐसा मौत किया था ऐसा सजा मिल रहा है मौत के बदला में मौत सब जान डालेगा संसार उठा लेते हैं मौत के बदला मौत बोला जिंदा जन रखो जिंदा जन रखो जिंदा जन रखो भारत माता की जय जिंदा नहीं रहना चाहिए वो लड़का आज वो दुनिया चाल देखा है दुनिया चाल देखा है एक लड़की के बिगाड़ के दुनिया चाल देखा है वो कौन लका नहीं करे सखी। हाँ मौत के बदला मौत अब भी होकर मौत गिरे रही थी बाकी माई लोग अनवन खेगी नहीं है एक चप्पल में होकर प्राण जा रही थी गुस्सा बहुत है आप। हाँ गुस्सा गांव वाले में हाँ बहुत गुस्सा है सबके आत्मा पूरा बस्ती का आत्मा ला वो खौला है ओकरो आत्मा खोलना चाहिए जैसे हम बेटी जो है वैसे ओकरो लाश जाही जाए जिंदा होना चाहिए तेजस्वनी बने रही से यहाँ पे एकदम बने घर की अच्छा रही तेजस्वनी यहाँ। हाँ अच्छा रही लड़की अच्छा रही सीधा साधा रही से लड़की का भी कोई मेरे ये नहीं आए हम आप दूसर जातन तब बिगड़ जातन तब बतावा था लड़की अच्छा रही से बिना माँ बाप के बिना माँ खारे बिचारी है। हाँ माँ होकर बहुत खत्म हो गई से हाँ ओकर जान के बदला जान तेजस्वनी के पिताजी हमारे संग मौजूद है जी मैं बोला नहीं कोई उम्र कैद ना सजा नहीं डायरेक्ट फांसी का ऐलान है मेरा। हाँ यही चाहता हूँ मैं उसको जेकर साथ तेजस्वनी के शादी होने वाला रही जेकर साथ तेजस्वनी सात जन्म के बंधन है बंधने वाला रिसे वही है होकर हत्या कर दी। हाँ वही हत्या करे हाँ वो तो देख सर वो तो आप ऐलान कर दीस ना वो तो ऐलान करे थे खुद मैं मारे हूँ करके तो बोला जिंदा नहीं रहना है। हाँ मोरी अतका ही प्रार्थना है ये कभी तेजस्वनी बारे में बताइए कुछ विवाद चला थे लड़ाई चला थे कभी नहीं बताई सर वो बात ना नहीं 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 वो बात नहीं बोली से
कभी उनका विवाद ही नहीं रही, तो मैं कैसे बोलूं? तो एकदम एकाएक किसी का हो गए, मतलब हुमन जो है आपके दामाद बनने वाला ऋषि, वही भाचा तक है। हाँ भाचा भी है सर, लेकिन मैं सोच नहीं, वही बात में मैं अब सोच रहा हूँ कि कैसे ऐसे अचानक होकर का माइंड आ गई, कैसे करी। लेकिन हो सकते हो कभी कभी कोई जगह फंसे हुई, कोई लड़की खोई एला खत्म करके एला कोई जगह सेट हो करके ऊपर दिमाग लगे हुई तभी हत्या करे वो, ऐसे है सर वो। अभी वो कहानी आना बचे है, आना बचे है अभी सामने में, जांच करी एला सरकार जांच करे बात की। हाँ लेकिन आपन शुरू दिन से कहा था कि ये सुसाइड नहीं हो रही, जन्म सुसाइड शुरू से कहा था सर। नहीं नहीं मैं शुरू से कहा था कि यार सुसाइड नो है सर, ये मर्डर है करके। हाँ ये पहले से मैं बोला था, आप मन से अर्जी विनती भी करे हो ये बात के। हाँ मालूम है कि हर बच्चा के मालूम रहते कि अपन कौन से सुसाइड कर सकते नहीं कर सके, लेकिन ये मोला अनुभव रही कि मोर बच्चा कभी कायर कुचर नहीं रही से, कोई अफसोसे नहीं रही ओकर बारे में मोला कि ऐसे कर सकी करके। आपके बहन मन से बात हुई से, मतलब हुमन के माता पिता मन से, हुमन का कहा था वो? अभी तो बातचीत नहीं हुए सर, वो हुमन हैरान हुई, अभी हैरान है, परेशानी है वो हुमन, बातचीत अभी वो हुमन थाना में नहीं, वो हुमन के माँ है उदिन में आ, तो ऊपर स्थिल पकड़ के बैठी थी बेचारी। हाँ हाँ हाँ, अभी सोच नहीं पाया वो सोच नहीं सका था सर, आप भाई बहनी हो थाना मन, अब उसके सोच वो भी मतलब बारे में सोच नहीं सका थे वो। हाँ अब अभी बातचीत तो हुई नहीं है, अब ये तो चला थे अभी कार्यक्रम था, आज नहीं से लड़का ला आज, हाँ आज यहाँ लाई से और कल रात के उठा ली से। हाँ पुलिस ला, आप सब हो सकते? हाँ कल निकालवाए कल ना तस्सा कोला होतेगी से। हाँ ओकर हिसाब से वो हर अपन अंदर करके वाला अपन विख्यात करे वाला कबूल करनामा करवाए है। गांव वाले मन का हाथ की सुबह वाला फांसी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल मोरो कहना है सर, आप लड़की पिताजी हो? हाँ मैं पिताजी हूँ, मोरो कहना है कि इसको भी जिन काबिल नहीं रहना चाहिए, जिंदा रहना ही नहीं चाहिए, यही मोर इंसाफ है। तेजस्वनी के पिता हरे और बाकी गांव वाले मन से गुड बात करे हैं, गांव वाले मन के गुस्सा काफी ज्यादा है, काबर की उमला खुद भी भरोसा नहीं है कि जे लड़का के साथ शादी होने वाला रिसे, जे लड़का शादी होने वाला रिसे, सात जन्म के बंधन बंधने वाला रिसे, वही लड़का हा, वही हुमन जो सोनू बोलते वही होकर हत्या कर दी। सामने तालाब है, वो तालाब लभी जाग दिखाबो कि आप लोग वहाँ पे किस टाइप की हत्या करी से सोनू, हाँ हुमन उर्फ सोनू की जो कर से शादी होने वाली से, यानी कि 11 जुलाई से शादी शुरू होने वाली से और 9 जुलाई के रात के तकरीबन 12:30 के आसपास और यही रास्ते से ले जाके ओला मर्डर करे हैं। और हमन भी उस दिन पहले ही बोलता आ रहे हैं कि भैया ये सुसाइड नो हरे, जो थ्योरी दिखत है, जो सबूत दिखत है, जो आधार दिखत है, वो कर हिसाब से स्पष्ट कि सुसाइड नो हरे, मर्डर हो सकते, तो पुलिस भी ओडिशा में जांच शुरू करी से। हमारे एडिशनल एसपी सुखरंदर राठौर साहब से बात कर रहे हैं, सुखरंदर राठौर साहब बोली सी परिवार वाले मन जोड़ जिस हिसाब से मांग कर रहे थे, जो जांच की मांग कर रहे थे, वो जांच कराई जाए। एक डिटेल स्टोरी आप बने रहो भिलाई टाइम्स के साथ में, आप लोग बहुत सारा अपडेट इस विषय में देखे पर मिलिए। नंदनी नगर थाना क्षेत्र में शादी के 2 दिन पहले एक युवती की लाश मिली थी, जिस पर मर्ग कायम कर जाँच में लिया गया था और जिसमें सस्पेक्टेड ड्राउनिंग आया हुआ था, जिसको और उसके सिर में चोट के निशान थे, जिसको लेकर के लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही थी। मर्ग जांच में स्पष्ट हुआ था कि उसका जो मंगेतर था, जिसके साथ शादी होनी थी, उसके साथ उसका वाद विवाद हुआ था। उसकी टेक्निकल इंट के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि उसकी उपस्थिति उस समय उस घटना स्थल में थी, जिस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की गई, पूछताछ की गई, तो उसने ये घटना कारित करना स्वीकार किया है, जिसके आधार पर उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। सर वजह क्या बताई उसने पूछताछ में? प्रारंभिक पूछताछ में उनका आपस में खींचतान चलता था, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता था, शादी दोनों करना नहीं चाहते थे, सामाजिक दबावश शादी करना चाह रहे हैं, इस तरह की बातें वो बता रहा था, जिसको लेकर के जो आपसी मनमुटाव था, आपसी जो मतभेद थे, जिस पर से ये रात को 12 बजे उससे झूमा झटकी हो गया, लड़ाई हो गया, इसलिए उसने हत्या करना कबूल किया। पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची? ये टेक्निकल इंट होते हैं, चूँकि ड्राउनिंग की सस्पेक्टेड ड्राउनिंग की घटना थी, तो हमारे कुछ इनपुट्स रहते हैं टेक्निकल आधार पर उस तक पहुंच पाए हैं। Thank you.
देखना।